और नमस्ते दोस्तों, और आज हम न्यू सेशन शुरू करने जा रहे हैं प्राणायाम का। ऑनलाइन शुरू करेंगे, देखते हैं, क्योंकि मोस्टली तो मैं वाईफाई का यूज़ करती हूँ और देखते हैं शाम को इंटरनेट की कंडीशन क्या रहेगी, क्योंकि फिर मैं अपना मोबाइल डाटा यूज़ करूँगी। मोबाइल डाटा बिल्कुल यूज़ नहीं करती मैं मोस्टली, क्योंकि वाईफाई है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, प्राणायाम क्या होता है मैं आपको पहले बताता हूँ। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त करते हैं, आरोग्य काया प्राप्त करते हैं, जरा जन्म मृत्यु दुख रोग नाश सब को दूर करता है प्राणायाम। और मेरा जो एक्सपीरियंस पर्सनली रहा, मुझे काफ़ी मतलब सब लोगों की ज़िंदगी में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती मोस्टली, इसकी ज़िंदगी में है तो बहुत अच्छी बात है। आसपास के लोगों से जिन्होंने टेंशन परेशानियाँ और हमेशा दर्द, हम खा रहे खाना जो भी है, क्योंकि हम खाना उस तरह से नहीं खा रहे जिस तरह से हम पहले खाते थे। पहले हम लोग रहते थे, पहले के ड्रेसेस, पहले की हर चीज़ अलग थी, हम प्राकृतिक रूप से जीते थे, नेचर के करीब थे, पर आज नहीं है। तो वही है, तो प्राणायाम की और वैदिक मुद्रास की एक विशेष बिल्कुल प्राचीन माँ प्रकृति की मार्गदर्शन में मैं अपनी आत्मिक ऊर्जा का प्रयोग करके आत्मसाधना मैंने की है 3-4 साल, और उससे पहले भी मैंने काफ़ी मुद्राएँ की और मुद्राओं के बारे में इस वर्ष और जाना। और कुछ ऐसी मुद्राएँ हैं जिनका ज्ञान सिर्फ आत्मिक ऊर्जा को है, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी शाम को। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जन कल्याण के लिए कार्य कर रही हूँ। देखिए वास्तव में भी मैंने शुरू किया है, 1 महीना हो गया, लेकिन उसमें लोग पहले 5 आए 10 आए 12 आए, तो फेस्टिवल सीजन तो कम आता है। फ्री में मैंने 1.5 घंटा सिखाया, फ्री में किए हुए काम किए, लोगों को इतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन फिर भी मेरा मानना है हम प्राणायाम होम चैंटिंग बस उसे करा रहे हैं तो उनका व्यापार चल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसा कार्य जिनमें इस तरह का कार्य हमें फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाए तो अच्छी बात है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे को एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ, पीरियड्स में बहुत प्रॉब्लम था, वो काफ़ी ठीक हुआ, और बहुत सारी चीज़ें, वेट मैनेज हुआ, स्किन ग्लो होती है और एजिंग रुकती है, और बहुत सारी जो टेंशन है डिप्रेशन को बिल्कुल कंट्रोल करता है प्राणायाम। रेगुलर करेंगे मेरे साथ, ज्वाइन कीजिए, हम 1.5 घंटे की क्लास करने वाले हैं, देखते हैं जितनी हो जाए, 1.5 घंटा 1 घंटा, अब इंटरनेट की कंडीशन पर डिपेंड करेगा शाम को। तो ज़रूर आप ज्वाइन कीजिए सब लोग, और देखिएगा एक हफ्ते में 2-3 दिन के अंदर ही आप नेगेटिव स्ट्रेस को अपने आप से दूर देखेंगे। और ये ज़िंदगी है, देखिए मेरे लिए तो ज़िंदगी इतनी खास नहीं है, फिर बताऊँ तो जैसे योगी साधक का कहते हैं कि मुझे प्रेम है, पर प्रेम का इतना खास मैं उड़ा नहीं सकती, कि प्रेम तो हम लोग करते हैं, प्रेम की चाहत करते हैं, और हम सोचते हैं हम लोगों से प्रेम से व्यवहार करें, पर हम लोग शायद खुद नहीं कर पाते, लोग नहीं कर पाते, तो उस बात से बहस होती है, और इस बात से भी मुद्दे बनते हैं कि आज ज़िंदगी में बहुत तनाव है, तनाव की कंडीशन हर व्यक्ति के जीवन में है। तो इसी तनाव से बचने के लिए हम प्राणायाम शुरू करें। तन मन आत्मा की शुद्धि और शांति और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति का साधन है प्राणायाम, वैदिक मुद्राएं, जो माँ प्रकृति के और परम गुरुओं के मार्गदर्शन में मैं आपको शाम को देने वाली हूँ क्लास। तो आप सब लोग ज्वाइन कीजिएगा शाम को, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। अपने आप को देख रही हूँ तो पता है ऐसा लग रहा है जैसे मैं बोले जा रही हूँ, और कोई क्या कह रहा है, आत्मिक विचारधारा है। ऐसे प्राणायाम बहुत वैदिक शास्त्रों द्वारा कराए जाते हुए बहुत हाई पेड होते हैं, बट मेरी कंडीशन ये है कि मैं आप लोगों से बस आशीर्वाद और प्रेम की प्राप्ति ही नहीं करना चाहती, बल्कि मैं एक जीवन को सहारा देना चाहती हूँ कि आज मुझे ऐसे जीना है, वरना लोग अगर व्यस्त ना रहें, आपके काम पर ध्यान ना दें, तो ज़िंदगी और भी कठोर और निष्ठुर हो जाती है, यानी कि बहुत कठिन होती है। तो ज्वाइन कीजिएगा शाम को, कोशिश करेंगे ज्वाइन कराने की आप सबको। नमस्ते। और प्राणायाम से हर प्रकार की बीमारी, तनाव और जीने की एक ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे हम कहेंगे कि आज हम सम स्वभाव में आते जा रहे हैं, लोगों को एनालाइज कर रहे हैं कि लोग क्या चाहते हैं, फिर जानते हैं वो हमसे इतना खुश नहीं करना चाहते, फिर हम चाहते हैं हम एकाग्र रहें, लेकिन जब हम प्राणायाम में बैठते हैं किसी के साथ, ओम का जाप करते हैं, ओम चैंटिंग करते हैं, तो अलग ही एहसास होता है, अलग ही ऊर्जा, रियली सो ग्रेट। साथ में ज्वाइन कीजिएगा। मेरा मोटिव ये भी है कि मेरे बच्चों को इसकी एलुमिनी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, ज़िंदगी में कल क्या खुला हो क्या पता। पर वही बात है कि आज ज़िंदगी जीने के लिए हमें रो रो के नहीं जीना, क्या दर्द है, आज तनाव है, तो इस तनाव और शरीर के दर्द से काफ़ी मुक्ति मिलती है प्राणायाम से, आप देख ही रहे। तो वेट मैंने देता है, यहाँ का वेट अपने आप कंट्रोल होता है, रियल में बहुत प्राचीन पुराण और सत्य के परम शिव ने कहा
यह प्राणायाम अति उत्तम है लेकिन ध्यान के बिना कठोर नहीं। तो ध्यान भी कीजिएगा, प्राणायाम, ध्यान, वैदिक मुद्राएं, योगा, सब चीज़ों का मिक्सचर है जो हम कराने वाले हैं और ज़रूर कीजिएगा। और जिनकी आत्मिक शुद्धि है वो अपने आप में बहुत नई ऊर्जा और बदलाव महसूस करेंगे पहले से भी ज़्यादा। ये मेरा वादा है कि मैं ज़िंदगी में मानवता धर्म के लिए, मानवता एक प्रजाति नहीं है, एक यूनिवर्सिटी है, ये जो आज मैं सिखा रही हूँ यूनिवर्स से रिलेटेड है हम सब लोग, यानी कि पूरा ब्रह्मांड जिसकी मेरी खोज है। तो मैं आज इस ब्रह्मांड को अपने भीतर खोजूंगी, आप में आप जानेंगे कि आज हम खुद में खोलने की कोशिश करें। लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं लोगों के अंदर बदलाव लाएँ। जैसे कि हम सोचते हैं कि बहुत कम लोग सोचते हैं नहीं सही रहूँ, लेकिन फिर भी हम प्रार्थना करते हैं लोग सही रहें। कई बार हम और के पहनावों को देखते हैं कि साधु संत है, टीका लगा बैठे या सिंपल ड्रेस जैसे हम वेस्टर्न पहने, तो इस पर लोग टिप्पणी करते, आलोचना करते हैं। वास्तव में आलोचना वही करता है जिसको परमात्मा का ध्यान प्राप्त नहीं हुआ। जब परमात्मा का ध्यान प्राप्त है ना तो आलोचनाएँ बंद हो जाती हैं और शांति निवास धीरे धीरे होने लगता है और जानते हैं कि हमें स्वयं की खोज करनी और जीने के सहारे ढूंढने हैं। और प्राणायाम एक विशेष जीने का सहारा है। आप रिलैक्स कीजिएगा मेरे साथ, बाय। ये जिंदगी का सफर है और जीना साथ में हम चलें, कुछ करें और सुने एक दूसरे की बड़े ही प्यार से। तो लगी गई जीवन सुंदर है और अति सुंदर काया हमें प्राणायाम की सिद्धि द्वारा प्राप्त हो। और सिद्धि का विशेष अर्थ है किसी चीज़ का प्रमाणित होना। यह सत्य है, ये बिकता है बाजारों में, पर बाज़ार में बिकने वाले चोर तो नहीं। फिर भी मैं कहूँगी जो फ्री में मिलता है उसके लोग को वैल्यू भी नहीं। फिर भी हम चाहेंगे कि हम कुछ कर पाए। पर कहेंगे हमें क्या मिलेगा, हमें खुशी मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा। कभी कभी लगता है कि सब कुछ नहीं है खुशी तारीफें, ऐसे लगता है कि बस जिंदगी जी जा रही है। इस जिंदगी की तबस्सुम में मेरा नाम निशा है, ये आप याद रखेंगे कि मैं कौन हूँ। मैं कहूँगी मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे शून्य होना पसंद है और शून्य की बात यही है, शून्य को सिखाने वाले परम शिव आए तो सही, हम उनके दर्शन कर लें और पैर पकड़ के कहें ही प्रिया आप ही तो हैं जो मेरे परम गुरु हैं। तो वही बात है, ये ज़िंदगी चलती ही ऐसे है, इसको चलाना है। हर ख्वाब में हम चाहते हैं चाहत से कि वो उनसे मिलते रहें और हम उनसे मिलते रहें। ख्वाब नहीं तो ज़िंदगी है, ये तो नहीं है ना, पर ज़िंदगी को जीना है ख्वाब से बढ़कर। और हमें हौसला देगा क्या ये शक्ति जो मैं आपको दूँगी। कोशिश करेंगे कि हमारे वादों से ना संवाद हों, हमारे शून्यता और मौन से हमें कुछ सीखने को मिले। नमस्ते।